विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी को पंजाब से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग कोलावाला टोबा श्री नैना देवी विश्व बैंक सड़क निर्माण के मापदंडों के अनुसार बनकर तैयार होगा, जिस पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह मुख्य मार्ग सड़क सुधार योजना के तहत बनेगा और विश्व स्तरीय सड़क बनकर तैयार होगी। हिमाचल प्रदेश की शक्ति पीठों पर बनने वाली हिमाचल की पहली सड़क होगी, जिसमें मुख्य रूप से सिंह द्वार, स्वागत द्वार, प्राकृतिक जल स्रोतों का जीर्णो द्वार, सड़क किनारे छायादार पेड़, सड़क पर मूलभूत सुविधाएं, लाइटनिंग, पैदल श्रद्धालुओं के लिए फुटब्रिज, भूस्खलन की रोकथाम के लिए बायो इंजीनियरिंग से भूमि कटाव की रोकथाम, भव्य बस स्टॉपेज शामिल है, जिससे श्री नैना देवी आने वाले लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक लाभान्वित होंगे। नैना देवी से टोबा रोड को हमने HPRIDC के अंदर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में इसको प्रायोरिटाइज किया है, जिसकी अप्लीकेशन करने हम जा रहे हैं। इसमें सरकार ने हमें 800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें कुछ रोड प्रायोरिटाइज किए गए हैं फ्राम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें नैना देवी को भी हमने प्रायोरिटाइज किया है। अब इस रोड की DPR बनाने के लिए हमारे कंसल्टेंट, हमारी RIDC की टीम आज इस रोड की इंस्पेक्शन करने आए थे, जिसमें मंदिर न्यास के अभियंता इन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया, PWD ने ज्वाइन किया। अब इसकी DPR बनाई जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि हम टोबा से नैना देवी तक इस रोड को डबल लेन करें और जितने भी श्रद्धालु यात्री यहाँ आते हैं मेले में, उनके लिए भी सारी सुविधाएं जो है प्रदान करने की कोशिश की जाए। जगह जगह इस पर इरोजन है, उसको हम बायो इंजीनियरिंग टेक्निक से कंट्रोल करने का, वॉकवे बनाने का, ओवरब्रिज बनाने का और रेन शेल्टर्स आदि बनाने का पूरा प्रोविजन इसमें करेंगे। तो हमारी एक साल के भीतर इस काम को शुरू करने की योजना है। जैसे सरकार की आगे अनुमति मिल जाएगी, वर्ल्ड बैंक से अनुमति मिल जाएगी, हम न्यूज़ के लिए स्वाद घाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।